अस्सलामुअलैकुम बच्चों। अच्छा भाई, तो ज़्यादातर बच्चों का 2 साल हो गया और कुछ बच्चे होंगे जो 1 साल पढ़े हैं यहाँ पे। तो वैसे तो सारा साल बातें होती रहती हैं, आपको मोटिवेट भी किया जाता है सारा साल, टेस्ट में होने वाली मिस्टेक्स बता दी जाती हैं। तो अब लोग जा रहे हैं, 10th हो गई है, आगे अब मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, या जैसे भी आगे इंटर में जाते हैं, तो वहाँ का जो है वो थोड़ा सा माहौल चेंज होता है। मतलब मेहनत ज़्यादा है, कुछ बच्चे कहते हैं, मतलब अक्सर सुनने को मिलता है मैट्रिक कर लो कि पढ़ाई आसान है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, FSC ज़ाहिर सी बात है, जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, सिलेबस बढ़ता जाता है और मेहनत भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मैट्रिक एक कह लें कि बेस है आपकी, बेस इसलिए कि जो आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, जो बेसिक टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, वही टॉपिक्स आप आगे पढ़ते जाओगे। FSC में आगे मेडिकल्स में जाते हैं तो वो भी आप वो यही सारी चीज़ें पढ़ोगे, हार्ट है, स्टमक है, या ये जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा, डिटेल्स बढ़ती जाएगी, यानी बेसिक टॉपिक वही होंगे जो आप मैट्रिक में पढ़े हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स भी वही होंगे मोस्टली, एक आधे का एडिशन होगा न्यू, लेकिन ज़्यादातर वही होते हैं। तो लेकिन डिटेल्स बढ़ती जाती है क्योंकि लेवल बढ़ गया है आपका। यही चीज़ें आप 8वीं की साइंस में भी पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक पढ़ के आए हुए हैं बस। तो इसी तरह एक और चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व की है मैंने, वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चा शुरू से पोजीशन लेना शुरू करता है ना, एंड तक उसी की पोजीशन चलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, हालांकि और भी बच्चे कॉम्पिटेंट होते हैं, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि बच्चे जो हैं बाकी क्यों इतनी स्ट्रगल नहीं कर रहे। मतलब एक बच्चे की अगर शुरू से पहले मंथ से एक बच्चे की पोजीशन चलती आ रही है, हर महीने उसी की पोजीशन, हर टेस्ट में उसी की पोजीशन जो है वो होती है। अच्छा, उसकी रीज़न जो है वो ये भी होती है कि कुछ बच्चे जो है वो इस चीज़ का माइंड सेट बना लेते हैं कि अच्छा वो ज़्यादा लाइक है मुझसे। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक बायोलॉजी का टीचर हूँ मैं, तो इस चीज़ को समझता भी हूँ। और अल्लाह ताला ने जो है वो सबको एक जैसा बनाया है। ठीक है, साइंस भी कहती है कि हर जो चीज़ है, हर इंसान को एक जैसा बनाया गया है, इंटेलिजेंस हर बंदे के पास एक जैसी है। हाँ, वेरिंग ट्रेट है कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम, लेकिन डिपेंड करता है, जिसके पास कम है तो वो ये नहीं है कि वो उस जितने नंबर नहीं ले सकता। फ़र्क क्या है, उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, सिंपल है। यानी एक बच्चे को अल्लाह ताला ने कुदरती नवाजा है, उसको वो थोड़ा सा पढ़ता है उसे याद हो जाता है। दूसरा बच्चा जो है उसको थोड़ी सी ज़्यादा, अगर एक बच्चा 1 घंटा एक चैप्टर को लगा रहा है, लाइक है, तो दूसरा भी उस पूरे चैप्टर को तैयार कर सकता है, लेकिन हो सकता है उसे 1.5 घंटा लगाना पड़ा, उसे 2 घंटे लगाने पड़े, कर सकता है। ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। ठीक है, अगर हर बच्चा एक जैसा, हर बच्चा लाइक, सारे डॉक्टर बन गए तो मरीज़ कहाँ से आने हैं। ठीक है, तो ये एक निज़ाम है कुदरत का कि हम हर एक को एक जैसी जो है वो सलाहियत ना देना। ठीक है, अब हम में से अगर घर में से माँ कह देना ये जाते हुए रूढ़ी पे छापर फेंक जाना, ठीक है, कूड़े वाला, तो कोई नहीं फेंकता। अक्सर बच्चे कहते हैं ला मैंने कूड़े वाला लगाया होता है। अगर वो ना होता, अगर वो भी चौधरी बन के कहे कि हाँ भी मैं नहीं कूड़ा उठाने आना, तो कौन घर में कूड़ा तो वैसे ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो हर अगर किसी भी इंसान को किसी भी लेवल पे है तो वो उसका एक मकसद है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने उसी काम के लिए बनाया है। ठीक है, तो एक कॉल भी है, याद नहीं, शायद हज़रत अली का है कि दुनिया में अगर एक तिनका भी है तो वो भी ज़ाया नहीं है। अक्सर उठा के आप कान में ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं तो वो एक तिनका भी कभी बहुत काम आता है। ये सारा दिल से बेहतर कोई नहीं जानता, बाहर निकलते हुए ये दरवाजे के अंदर उड़ा के ना फिर निकलते हैं। ठीक है, वो जो तिनका होता है, तो अब जो है जो बात कर रहा था कि जो बच्ची, मतलब यहाँ पे अगर मिनाहिल की बात करें तो वो शुरू से चलती आ रही है और बाकी जो हैं मतलब मेहनत करते हैं लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाते। मुझे इस बार बड़ी खुशी हुई जब असर ने जो है वो पहली पोजीशन ली है फुल बुक में, उसको हालांकि 1 नंबर का फ़र्क था लेकिन मेहनत अच्छी थी। और सही बात है, मेरे पास उस टाइम प्राइज़ के लिए पैसे नहीं थे और मैं शराज साहब के पास गया, उनसे उधार लिए और आगे उसको दिया, कि खुशी हुई थी कि हाँ भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि हाँ जी किसी नीचे वाले बच्चे ने उठ के जो है वो पोजीशन ली है। तो
इसी तरह अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यही है कि एक माइंडसेट बन जाता है कि अच्छा भी फलां बच्चा है तो उसी की पोजीशन आनी है, मेहनत करके क्या लेना है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ। मैं अच्छा खासा पढ़ने वाला था सेकेंड ईयर में, ऐसा था तो इंग्लिश का जो था ना, इंग्लिश में मेरे हमेशा दूसरे तीसरे नंबर पर नंबर आते थे। मतलब पहले नंबर पर एक लड़की थी उसी के आते थे। और फिर जब दो तीन बार ऐसा हुआ ना, मैं दिल छोड़ गया कि जब उसके आने हैं तो फिर मेहनत करने का फ़ायदा, फिर पढ़ना ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। और 24-25 से कभी ऊपर नंबर नहीं थे आए इंग्लिश में सेकंड ईयर में ना। मतलब फुल जो फुल हाईएस्ट नंबर होते थे सर 24-25 से ज़्यादा कभी नहीं थे आए किसी बच्चे के। जो टॉपर थी मतलब कि जिसके सबसे ज़्यादा आ रहे थे उसके भी 24-25 आ रहे थे, मेरे 22-23 इस तरह, मतलब कि उससे से कम। फिर दिल छोड़ गया कि अच्छा नंबर तो आने नहीं। बाकी सब्जेक्ट में करता था मेहनत, जब पता कि अच्छा उसमें नंबर नहीं आ रहे या उसमें कोई और ज़्यादा ले रहा है तो मेहनत छोड़ दी। ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर एक टाइम आया जब मैंने ये सोचा कि मैं तो मेहनत बोर्ड के लिए कर रहा हूँ। ऐसे ही जाते जाते छुट्टी टाइम जहन में ख्याल आया कि अच्छा भाई मेरी तो मेहनत बोर्ड के लिए है, यहाँ क्लास टेस्ट के लिए तो नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा स्ट्रगल कर ली स्टार्ट। और एक टाइम आया उसी इंग्लिश के बुक में 28 मार्क्स आए जो अभी तक किसी के नहीं आए हुए थे, ठीक है। क्या मेहनत, ठीक है। तो बच्चे माइंडसेट बना लेते हैं कि अच्छा इसी के आ रहे हैं और इसी के चलते आ रहे हैं, ठीक है हमने नहीं करनी। भाई आप उसके लिए तो, आप कंपटीशन के लिए तो नहीं आए, आप अपने बोर्ड की मेहनत के लिए मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्लास टेस्ट आपकी तैयारी करवाई जा रही है बोर्ड के लिए, यहाँ पर पोजिशन आना लेना अच्छी बात है, मेहनत करें, कंपटीशन होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने उसको क्रॉस करना है, ठीक है। मेहनत ज़्यादा करें, अच्छा वो नंबर ले रही है इस बार मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ये जज्बा होना चाहिए हर एक बंदे के अंदर जो है वो। अल्लाह ताला कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर जहानत बिल्कुल ही ख़त्म है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस फ़र्क है उसको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो मेहनत करें, ठीक है। टीचर्स की, वालदैन की रिस्पेक्ट करें, ज़रूरी है। अक्सर बच्चे देखे हैं जो कि मतलब इतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रगल नहीं होती लेकिन टीचर्स के माँ बाप के फेवरेट होते हैं, दुआएं निकलती हैं दिल में, दिल से, ठीक है। अभी यहाँ पे हालांकि आप सेकंड ईयर गई है जो कि सबसे हाईएस्ट क्लास थी यहाँ पे, तो उनमें दो बच्चे जो कि पोजीशन होल्डर्स हैं, ठीक है, सायरा और अनम, जो कि उनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है, कभी वो ज़्यादा हैं। लेकिन खुदा गवाह है कि जो दुआ मेरी तैयबा शहबाज के लिए निकलती है ना दिल से, वो शायद उन दोनों के लिए नहीं निकलती, हालांकि वो दोनों उससे ऊपर हैं। लेकिन उस बच्ची से ओबीडियंट, रिस्पेक्टफुल मैंने 3 साल से नहीं देखा। मैंने 10th में उनको पढ़ाना शुरू किया था, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन उस बच्ची से ज़्यादा ओबीडियंट नहीं मैंने देखा कोई। कुछ कह दिया ठीक है सर, दोबारा कोई बात ही नहीं दूसरी, ठीक है सर हो जाएगा ये करना है, डांट दिया ज़रा लफ्ज़ नहीं आगे से बोलना, सर नेक्स्ट मेहनत करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको आपकी मेहनत के साथ साथ ये चीज़ें भी काउंट करती हैं, ठीक है। मेरा 10th का केमिस्ट्री का पेपर था, रिएक्शन था एक KMnO4 वाला इस तरह का, मुझे अब चैप्टर तो नहीं याद, सारा दिल को याद होगा। तो अब उसके अंदर जो है ना, अब मेरा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हुआ था लेकिन वो एक लॉन्ग क्वेश्चन था, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन मैं याद करने लगा लेकिन मैंने कहा नहीं आ सकता, रिएक्शन है रहने दो, बोर्ड में गया वो वाला आ गया। अब मुझे दुख हुआ इस चीज़ का कि मैं तैयार कर लेता, तो मैंने खैर अटैम्प्ट तो किया उसको लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना के मतलब होना चाहिए था। तो मैं घर आया, घर आके मैं रो पड़ा, ठीक है। तो मेरी वालदा ने देख लिया कि शायद इसका अच्छा नहीं हुआ, उनको ये था कि शायद पास भी नहीं होगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन था, तो उन्हें रोता देख शायद उनके दिल से दुआ निकली या जो भी था। और जब रिज़ल्ट आया तो मेरे केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे बायो और फिजिक्स की नस्बत, हालांकि वो पेपर में मिस्टेक्स हुई थी, बाकी दोनों में नहीं थी मिस्टेक्स, लेकिन ऐसा हुआ, ठीक है। टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें, वालदैन की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब ज़रा सा 2-3 स्टिक्स लगा दें तो बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है क्यों मारा है, तो भाई हम मारने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं, आपने आगे जाके कुछ बनना है, कुछ अफसर बनना है ना, हमें तो खैर बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं ना। आप आज जाके कुछ पढ़ लिख जाओगे आपका फ्यूचर है, या तो आपने लागे कमा के हमें तो नहीं देने के लिए, सर हमारी तनख्वाह का 50% या 20% आपका हिसाब ने हमें पढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात आपके पेरेंट्स की, तो वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं जब तक आप कुछ बनते हैं,
उनकी वैसे ही थोड़ी सी अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। वैसे अगर जनरल बात की जाए तो उनकी वैसे ही आधी से ज़्यादा बल्कि गुजर ही चुकी होती है ज़िंदगी, उन्होंने भी क्या आपकी कमाई पे ऐश करनी है। इसलिए मेहनत करते हैं आपके लिए, उनके लिए बेहतर है आपको काम पे डालें। अब अभी तो उनकी ज़िंदगी बड़ी है, आपको काम पे डालें, आप कुछ ना कुछ पैसे लेके आए, उनके लिए आसानी है। लेकिन अगर उन आपका खर्चा बढ़ता है तो वो डबल ड्यूटी स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा मेहनत स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? आप सब के लिए कि नहीं जी मेरा बेटा पढ़ लिख जाए। पढ़ लिखने का फ़ायदा क्या? मेहनत बेटा करनी पड़ती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेहनत करनी पड़ेगी, या अब कर लें आगे की ज़िंदगी सुकून में है, अब ना करें अब आराम कर लें आगे की ज़िंदगी मेहनत वाली है, और वो मेहनत बहुत सख्त मेहनत है। अभी आपको सिर्फ एक हफ्ता काम पे डाले ना दिहाड़ी मजदूरी पे, आपकी अकल ठिकाने आ जाए कि कितना मुश्किल काम है। लड़कियों को भी सिलाई पे डाला हो ना काम करने के लिए, पता चल जाए कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। हम लोग घर में जाके बड़े आराम से सुबह से रात तक एकेडमी में होते हैं, सुबह स्कूल रात एकेडमी, रात को अम्मा कोई काम कह देना मैं नहीं करना, मैं सारा दिन बाहर से खप के आया हूँ, कहते हैं ठीक है। अक्सर ऐसे मिलते हैं एग्जाम्पल्स, मैं सारा दिन तो खप के आया हूँ अब ये काम करूँ ठीक। अव्वल तो पेरेंट्स कहते नहीं हैं, हालांकि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अच्छा बेटा खप के आया। अक्सर कहते हैं कि नहीं ये खप के आया, खुद चले जाते हैं या किसी और को भेज देते हैं। लेकिन वो जो वो मेहनत करके आते हैं वो आपसे कई गुना ज़्यादा है ठीक है। तो यहाँ पे जो बैठ के मेहनत करनी और अगली ज़िंदगी आसान बनाना है ना, वो बहुत आसान है बनिस्बत यहाँ पे बैठ के आराम करने के और अगली ज़िंदगी ख़राब करने के ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आमीन।